चावल की सुगंध से खींचे चले आए हाथियों ने तोड़ा मकान। कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में विचरण कर रहे हाथियों का दल एक बार फिर टुकड़ियों में बंट गया है। इनमें 7 हाथी एतमा रेंज पहुंच गए हैं। सुगंधित चावल की महक पाकर दल ने मानिकपुर निवासी एक ग्रामीण के मकान को ध्वस्त कर घर में रखे अन्य रसद को न केवल चट किया बल्कि सामानों को भी अस्त व्यस्त कर दिया। पसान के बाद एतमा रेंज में हाथियों से नुकसान का सिलसिला शुरू हो गया। पसान की अपेक्षा सघन बसाहट वाला क्षेत्र होने से यहां के रहवासियों में हाथियों के विचरण को लेकर भय व्याप्त है। रात को पहुंचे हाथियों ने मानिकपुर निवासी पंचराम यादव के घर को तोड़ दिया। परिवार के सदस्यों ने किसी तरह घर से भागकर अपनी जान बचाई। आवासीय क्षेत्र के निकट जंगल में ही हाथियों ने डेरा डाल लिया है। मानसून की अभी शुरुआत हुई है, जंगल में चारा की कमी है। ऐसे में हाथियों का झुंड बाड़ी में लगे सब्जियों अथवा केलों को खाने के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश की वजह से मिट्टी के घर वैसे भी कमजोर हो चुके हैं, जिसे ढहाने में उन्हें आसानी हो रही है। हाथियों को दूर जंगल की ओर खदेड़ने में वन विभाग नाकाम है, लिहाजा खुद की जान माल की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों का रतजगा करना पड़ रहा है। एतमा रेंज के अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया गया है। प्रभावित ग्रामीण के मुआवजा के लिए प्रकरण भेज दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।